friends, how are you? Perhaps you are almost fine. I am Piyush Shukla, welcomes you in my online class. Today our topic is rounding the numbers. आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग द नंबर्स, यानी नंबर्स को राउंडिंग करना। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है राउंडिंग नंबर्स। तो हम चलिए जानते हैं कि इस राउंडिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है। द फिगर मेंशन्ड हियर आर नॉट एग्जैक्ट, दे ओनली टेल अबाउट हाउ मेनी एंड हाउ मच, दे आर ऑल्सो कॉल्ड राउंड नंबर। कहने का मतलब राउंड नंबर वो होते हैं जिनका फिगर केवल मेंशन करने के लिए होता है, बल्कि वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ये हमें केवल इतना बताते हैं कि कितना है। इन प्रकार प्रदर्शित किए जाने वाले नंबर्स को हम राउंड नंबर्स या राउंडिंग नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सब रूल्स हैं, देयर इज सम रूल्स टू फाइंड द राउंड नंबर्स। यहाँ पे कुछ रूल हैं जिससे इससे हम राउंडेड नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो टू टाइप्स से यहाँ पे राउंडेड नंबर को फाइंड किया जाता है, पहला नियरेस्ट टू 10 और दूसरा होता है नियरेस्ट टू 100। तो चलिए पहले बात करते हैं राउंड टू नियरेस्ट 10, यानी कि नंबर्स वो नंबर्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम नियरेस्ट 10 से फाइंड करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राउंड 26 नियरेस्ट 10, यानी कि मुझे 26 को 10 के नियरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ पर स्टेप नंबर वन है, फाइंड बिटवीन विच टू टेंस द नियरेस्ट नंबर लाइज, फाइंड बिटवीन विच टू टेंस द नंबर लाइज, यानी हमें उन टू टेंस को फाइंड करना है जिनके बीच में नंबर मौजूद है। 26 किन के टेंस के बीच में मौजूद है, तो ये आपको भी पता होगा कि 26 जो है 20 और 30 के बीच में पड़ता है। तो हम यहाँ पर उन टू टेंस को लिख लेंगे, पहला टेंस हो जाएगा 20 और दूसरा टेंस हो जाएगा 30। हम लोग का सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड हाफ ए नंबर, यानी कि अब हमें इन नंबर्स का हाफ लेना है। तो 20 और 30 का हाफ कितना होगा, 25। तो स्टेप सेकेंड में हम यहाँ पर 20 और 30 के बीच में 25 को लिख देंगे। हमारा स्टेप थर्ड है, प्लेस द नंबर ऑन नंबर लाइन इन फैक्टर राउंड, अभी हमको क्या करना है, उस नंबर्स को प्लेस करना है जिसको हमें राउंड करना है। कहाँ प्लेस करना है, नंबर लाइन पर प्लेस करना है। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है, 26 हमने टेंस को लिखा है, टेंस हमें क्या मिला, 20 एंड 30, हाफ पे क्या मिला, 25, और अभी हमें नंबर को राउंड करना है और नंबर हो जाएगी हमारी 26। तो ये है नियरेस्ट नंबर राउंड टू 10, यानी कि राउंड करना है हमें 10 के नियरेस्ट। ये हम लोग का फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है कि हम नियरेस्ट टू 100 नंबर्स को राउंड करें, यानी कि नियरेस्ट 100 क्या मतलब है, इसमें जो आपका फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है कि हम अब तक देख रहे थे विच टू टेंस का नंबर लाइज, यानी कि किन दो टेंस के बीच में नंबर मौजूद है। अभी हमको देखना है कि दो हंड्रेड्स के बीच में नंबर मौजूद है। कहने का मतलब हमारा रूल नंबर वन चेंज हो जाएगा, रूल नंबर वन चेंज होकर बन जाएगा फाइंड द टू नियरेस्ट 100 बिटवीन द नंबर लाइज, यानी कि अब हमें ये फाइंड करना है कि किन दो हंड्रेड के बीच में नंबर प्रेजेंट है या नंबर लाइज कर रही है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, राउंड 252 नियरेस्ट टू 100। तो इसमें स्टेप वन हमारा क्या होगा, 252 किन दो हंड्रेड्स के बीच में लाइज करती है। तो 252 लाइज करेगी 200 और 300 के बीच में, यानी 252 कहाँ होगी, 200 और 300 के बीच में होगी। तो सेकेंड स्टेप हमारा होगा फाइंड हाफ पे, यानी नंबर का हमें हाफ निकालना है, इसका हाफ पे क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो 200 और 300 का हाफ पे क्या होगा, 250, इसका हाफ पे आ जाएगा 250। हाफ पे निकालने के बाद हमारा लास्ट स्टेप वही फिर से है जो भी हमने पढ़ा, राउंड टू 10। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पुट द नंबर ऑन द नंबर लाइन इन वन टू राउंड, यानी हमें नंबर्स को नंबर लाइन पर पुट कर देना है जिस नंबर्स को हम राउंड करना चाहते हैं। तो हमें राउंड करना है 252 को, लास्ट 200 क्या होंगे, यहाँ 200 यहाँ पे 300 जिनके बीच में नंबर 252 लाइज कर रही है, हाफ में क्या हो जाएगा 250, और यहाँ पे हम 252 को उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे। तो यही है आज का राउंडिंग द नंबर्स टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको बाकी है, जो नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आपको पूछना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।